दूध से जो घी बनता है, घी की ताकत देखो बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। घी पर बहुत सारी औषधियां जो है वो बनी है। कल आपको दिखाया था मैंने कि नाक में डालने के लिए एक गव्य घृत का निर्माण किया है। वो देखो कोई मेरा निर्माण किया हुआ नहीं है, ये तो सारा कुछ हमने ऋषियों के सूत्रों से ही लिया है। अगर गाय का घृत, जैसी विधि आपको बताई कल हमने कि गाय के घृत को बनाने का क्या नियम है, उस नियम के आधार पर गाय का घृत बना लो आप, और उस घृत में अगर आप गौमूत्र की पोटेंसी जोड़ दो, गोबर की पोटेंसी जोड़ दो, दूध की पोटेंसी जोड़ दो और दही की पोटेंसी अगर जोड़ दो, तब वह गव्य घृत अमृत होता है। यहां से लेकर यहां तक कोई भी डिसऑर्डर होने दो आप, ब्रेन हैमरेज होने दो, ब्रेन के अंदर कैंसर की गांठें होने दो आप, हां मिर्गी की बीमारी होने दो आप, यादाश्त खत्म होने की बीमारी ले लो आप, या मरीज कोमा में चला गया हो, नाक में डालिए बाहर निकलता है। दक्षिण भारत के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, अपोलो जैसे हॉस्पिटल्स, वहां भी जब मरीज जब चला जाता है कोमा में तो वो गवसिद्ध डॉक्टरों को ही याद करते हैं। और हमने इन बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाकर कितने मरीजों को कोमा से बाहर निकाला है केवल इस गैया के घृत के बल पे। गैया का जो घृत है ना, उसमें अगर सारी सारे गव्यों की पोटेंसी अगर आप जोड़ दो, तब वह ब्रेन के उन नसों में, कोशिकाओं में प्रवेश करने की क्षमता रखता है जहां दुनिया का कोई तरल प्रवेश नहीं कर सकता। मस्तिष्क की जो नसें हैं, यह हमारे जो बाल है ना, इस बाल का 60वां हिस्सा कर दो आप पतला, उतनी सूक्ष्म कोशिकाएं होती है हमारे मस्तिष्क के अंदर, इसलिए उसमें कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता, दुनिया का कोई तरल घुस नहीं सकता उसके अंदर। लेकिन गैया का गव्य, उसके मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होते हैं, सृष्टि के सबसे छोटे होते हैं मॉलिक्यूल्स, और वो मस्तिष्क की सिराओं में घुस जाते हैं और घुस करके वहां रिपेयरिंग का काम कर देते हैं। इतना अद्भुत है ये। आप आंख में डाल लो तो आंखों की बीमारियां चली जाती है, कान में डाल लो कान की बीमारी चली जाती है, और कभी अगर नाभि सरक जाए, नाभि सरकना है ना भारत में, मेडिकल साइंस वाले नहीं मानते कि कुछ नाभि सरकता है, हाँ, लेकिन हमारे यहां भारतीय आयुर्वेद विज्ञान में नाभि का सरकना एक बड़ी बीमारी है। पित्त के 40 रोग में ज्यादातर रोग नाभि के डिस्प्लेस। दूध से जो घी बनता है, घी की ताकत देखो बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। घी पर बहुत सारी औषधियां जो है वो बनी है। कल आपको दिखाया था मैंने कि नाक में डालने के लिए एक गव्य घृत का निर्माण किया है। वो देखो कोई मेरा निर्माण किया हुआ नहीं है, ये तो सारा कुछ हमने ऋषियों के सूत्रों से ही लिया है। अगर गाय का घृत, जैसी विधि आपको बताई कल हमने कि गाय के घृत को बनाने का क्या नियम है, उस नियम के आधार पर गाय का घृत बना लो आप, और उस घृत में अगर आप गौमूत्र की पोटेंसी जोड़ दो, गोबर की पोटेंसी जोड़ दो, दूध की पोटेंसी जोड़ दो और दही की पोटेंसी अगर जोड़ दो, तब वह गव्य घृत अमृत होता है। यहां से लेकर यहां तक कोई भी डिसऑर्डर होने दो आप, ब्रेन हैमरेज होने दो, ब्रेन के अंदर कैंसर की गांठें होने दो आप, हां मिर्गी की बीमारी होने दो आप, यादाश्त खत्म होने की बीमारी ले लो आप, या मरीज कोमा में चला गया हो, नाक में डालिए बाहर निकलता है। दक्षिण भारत के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, अपोलो जैसे हॉस्पिटल्स, वहां भी जब मरीज जब चला जाता है कोमा में तो वो गवसिद्ध डॉक्टरों को ही याद करते हैं। और हमने इन बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाकर कितने मरीजों को कोमा से बाहर निकाला है केवल इस गैया के घृत के बल पे। गैया का जो घृत है ना, उसमें अगर सारी सारे गव्यों की पोटेंसी अगर आप जोड़ दो, तब वह ब्रेन के उन नसों में, कोशिकाओं में प्रवेश करने की क्षमता रखता है जहां दुनिया का कोई तरल प्रवेश नहीं कर सकता। मस्तिष्क की जो नसें हैं, यह हमारे जो बाल है ना, इस बाल का 60वां हिस्सा कर दो आप पतला, उतनी सूक्ष्म कोशिकाएं होती है हमारे मस्तिष्क के अंदर, इसलिए उसमें कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता, दुनिया का कोई तरल घुस